बच्चों की जो मौतें हो रही हैं, उस पे कुछ संवेदना कोई वाणी नहीं। कालाबाजारी बढ़ रही है उसके बारे में कोई वाणी नहीं। तो फिर आए क्यों थे महाराज? सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए या अपने भक्तों का टेस्ट करने के लिए कि जय मोदी कहने वाले भक्त हैं या कितने हैं या कम हुए हैं ज्यादा बड़े? देख रही थी वो ही मोदी जी आए थे, अच्छा भाषण भी दिया। भाषण में उनकी सात प्रमुख बातें थी। क्या थी? आपके घर में बूढ़े हैं तो उनका ध्यान रखो, आपके घर में कोई डायबिटीज या बड़ी बीमारी का शिकार है तो उसका विशेष ध्यान रखो, आप अपने घर में ही मास्क बना के उसका यूज करो, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करो, आप गरीबों की जितनी हो उतनी सेवा करो, आप अपने योद्धाओं का सम्मान करो। हो गया? पता चला क्यों आए थे वो टीवी पर, किस लिए आए थे? मास्क नहीं तो गमछा ओढ़ लिए, पीपीई नहीं तो रेनकोट पहन लिए, इसी के लिए आए थे? वही घिसी पिटी बातें, कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं, भविष्य में क्या करने वाले हैं कुछ नहीं, केंद्र से कौन सी साहत, कौन सी राहत, क्या क्या मिलने वाला, कौन सी सहाय मिलने वाली है, कोई प्लानिंग नहीं। फिर किस लिए आए थे? सिर्फ आए थे अब बस इसी मुद्दे को या इतनी ये जो 20-15-20 मिनट का जो भी भाषण चला है उसको अभी ये गोदी मीडिया देववाणी संत पुरुष की महावाणी के रूप में पूरे दिन चलाएंगे या अगले आने 3 मई तक यही चलाएंगे। देश को क्या फायदा हुआ? लोग फंसे हैं उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाएंगे, उनके वतन पहुंचाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं। भुखमरी, बेकारी, सेहत, राहत, इनके बारे में कोई नहीं। बच्चों की जो मौतें हो रही हैं उस पे कुछ संवेदना कोई वाणी नहीं। कालाबाजारी बढ़ रही है उसके बारे में कोई वाणी नहीं। तो फिर आए क्यों थे महाराज? सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए या अपने भक्तों का टेस्ट करने के लिए कि जय मोदी कहने वाले भक्त हैं या कितने हैं या कम हुए हैं ज्यादा बड़े? क्या मोदी जी, वही वाली बातें, सिर्फ कोई प्लानिंग नहीं आपके पास, झूठ झूठ झूठ। अगर आपने विदेशों से आने वाले 17 लाख लोगों की पहले से स्क्रीनिंग की होती ना तो देश की, मेरे हिंदुस्तान की ये हालत ना होती। लेकिन आपको तो किसमें इंटरेस्ट था? निजामुद्दीन वाले मुद्दे में परमिशन देने वाली केंद्र सरकार आप ही हो। आपको धर्म के आधार पर कोरोना को डाइवर्ट करना था। इन शॉर्ट आपने कह दिया कि जनता जो भी करना है आपको करो, आप ही करो। हम तो गवर्नमेंट है, हम तो सिर्फ लॉकडाउन करेंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे। हम पीएम फंड में, पीएम केयर में पैसा बटोरेंगे और उससे मोदी लंच, मोदी नाश्ता, मोदी किट बांटेंगे। इसके सिवाय कोरोना के लिए क्या करेंगे? तो थाली, ताली और दिया घुमाएंगे। क्या ये सब है मोदी जी? क्या ये सब, क्या बोले आपको? हमारे देश के आप पीएम हो, वंदन है आपको, बट आपका ये जो प्लानिंग बिना के जो भाषण होते हैं ना, बाय गॉड गुस्सा आता है हमें, क्योंकि हम भी तो देश के नागरिक है ना। हम चाहते कुछ ऐसा बोलेंगे जहां पर, ऐसा फैसला लेंगे जहां पर हमको प्राउड हो कि वाह क्या क्या बोला है मोदी साहब ने। बट नहीं, वो ऐश्वर्या राय का गाना है, सिलसिला ये चाहत का मैंने न बुझने दिया, वही करते हो आप। थाली, दिया, पटाखे, सब कुछ आपने बोला कि हमारा हिंदुस्तान तो उत्सवों का देश है, हम कहीं पे भी उत्सव मना देते हैं। वो तो मैंने देखा जब हमारे यहाँ पे लाशों के ढेर, 290 से ज्यादा लोग थे ना, और आपके दिया वाले प्रकरण में आपके भक्तों ने पटाखे और दिए जला जला के, जो ढोल नगाड़े बजा बजा के स्वागत किया ना, पता चला हमको
आपने कैसे उत्सव मनाया, कैसे आपने सोशल डिस्टेंसिंग का भंग करके मसाले लेकर रैलियां निकलवा दी, थालियां पिटवा कर रैलियां निकाल दी। पता चला आप करवा सकते हो, लेकिन कुछ सही तो करवाओ, कुछ तो सही करवाओ मोदी जी। हर बार वही कितनी मासूम वाली शक्लें बनाते हो आप। हाँ, ये नहीं सोचते आप, उसके पास आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है। आपने बोल दिया गरीबों की सेवा करो, करेंगे कैसे महाराज, पैसे कहाँ हैं, सब घर में बैठे हुए हैं, कौन सेवा करेगा। बाहर जाओ तो आप टैटू चिपका रहे हो पुलिस प्रशासन से, कैसे सेवा करें। और आपके गवर्नमेंट के अधिक से अधिक जितने भी नंबर है सब बंद आ रहे हैं या उठा नहीं रहे। आज फोन लिखे तो बोलते हैं 2 दिन के बाद आएगा, हम गवर्नमेंट है हमारे पास काम नहीं है, इसके सिवा क्या आपकी कंप्लेन सॉल्व करने के बाद। तो 2 दिन में वो बंदा जो भूखा मरेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मोदी जी, इसके बारे में सोचा है कभी आपने। देश में पुलिस अत्याचार कर रही है, जात पूछ के नाम पूछ के लाठियां बरसा रही है, उस पर आपका कोई निवेदन नहीं। गरीब माताएं अपना बच्चा अपने पति को सड़कों पर लेकर घूम रही हैं, कोई मेडिकल उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही है, उस पर आपका कोई प्रावधान नहीं। पब्लिक के लिए आप क्या करोगे, केंद्र सरकार क्या करेगी, कोई मैसेज नहीं। तो फिर आप आए क्यों थे महाराज, बताइए। मोदी जी आपने बोला ना कि हमारे देश में हिंदुस्तान में एक भी केस नहीं था, तब से हमने फैसला लिया। क्या फैसला लिया साहब, आपके सामने 30 जनवरी को हमारे हिंदुस्तान में पहला केस आ चुका था, लेकिन आपको विरोध पक्ष के नेताजी राहुल गांधी जी ने आगाह भी किया था कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है, लेकिन आपने क्या किया, उनके ट्वीट का क्या जवाब दिया था, लिट्टी चोखा खा रहे हमारे नरेंद्र मोदी जी। हाँ, क्या फैसला लिया आपने, जब तक आपका 120 करोड़ के खर्च पे नमस्ते ट्रंप वाला प्रोग्राम नहीं हुआ 1 लाख की भीड़ जमा करके, तब तक आप जागे ही नहीं महाराज। हाँ, हॉटस्पॉट की बात कर रहे हो आप, हमारे अहमदाबाद में 300 के करीब केस हो चुके हैं साहब आपके नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से, उसके लिए आपने क्या किया, कोई नहीं। मेरे अहमदाबाद को आपने मौत के मुख में झोंक दिया, उसके लिए लोग तो नहीं बोलेंगे बेचारे मासूम है, क्या करें। जब तक आपने एमपी की सरकार ना गिराई तब तक आपको लॉकडाउन का सूझा ही नहीं। आपने एमपी की सरकार कांग्रेस की सरकार गिराई और आपके लोग ने सोशल डिस्टेंस का भंग करके तालियां बजाई पटाखे फोड़े, तब जाके आपने फिर हमेशा की तरह लॉकडाउन जाहिर करता हूं, यानी उस वक्त करीबन 700 से ऊपर केस चले गए थे, यानी देश के लिए आप कभी कुछ करने वाली बात तो होती नहीं है, हमेशा गोल 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 बातें, कोई व्यूज रचना नहीं, कोई भविष्य की बात नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और मैं। देश ऐसे नहीं चलता है मोदी जी, कोई पूर्व योजना भी तो होनी चाहिए। जिस तरह से आप क्या बताएं आपको, जिस तरह से आपने धार्मिक आपके लोगों द्वारा धार्मिक नफरत फैला दी ना, कम से कम देश में एकता बढ़ाने के लिए भी आपने कुछ ऐसा किया होता, क्योंकि कोरोना तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, जो कि भी इस रोग की चपेट में आएगा ना उसके लिए सिर्फ कब्र और शमशान है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।